ये देखो आप कमाल कर दी भाई ने। वैसे टोटल वेट कितना होगा इसका, कभी हिसाब लगाया आपने? ये 86 किलो सिंचाई कितनी कर ले? ये 2 क्विंटल तक, 2 क्विंटल तक, 2-3 क्विंटल आराम से खींच रहे हैं। अच्छा, और बैटरी लाइफ भी इतनी है इसकी? बैटरी लाइफ भी इन्हें एक बार चार्ज में 16 घंटे पूरी आ गई, 4 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। अच्छा, अब मैं आपको चला के दिखाता हूँ। ये चला के चाबी भी लगा है? सब भी लगते हैं इसके यहाँ। अच्छा, यहाँ बैटरी दिखा रहे हैं, यहाँ पर इसके ब्रेक भी रखे हैं, यहाँ पर ये ब्रेक भी रखे हैं। अच्छा, ये ब्रेक है और ये रेस है? हाँ, ये फ्रंट गियर है, जाके ये बैक साइड है, ये रेस दबाएंगे आगे जाएगा। ये बैक करियो, बैक भी हो जाएगा आगे भाग गया। जबरदस्त चीज बनाई है भाई ने, ये हलवा काम नहीं किया, अभी उठा के पौधे लगा दिए और काम ले लिया ना। 30,000 इसी लिए लगाया कि लोगों को पता लगे कि भी हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर बनाया ना, क्योंकि अब तक जो ट्रैक्टर सेल हो चुके उसमें कोई भी दिक्कत परेशानी आई, क्योंकि चीज बना के देंगे बंदे को, अगर पैसा लगा रहा है तो सॉलिडी बना के देंगे। क्या बात है, तो कंपनियां क्या करती हैं हलवा माल लगा के भाइयों को? हम तो ऐसे कहते हैं, जब जो ट्रैक्टर बनाते हैं पहले अगला भाई चला के देखे संतुष्ट हो तो ले जाइए। तो भाइयों एक और ट्रैक्टर दिखाएंगे 855 के बारे में, इसके बारे में सर बताएंगे क्या क्या मटेरियल है। पहले बैटरी के अंदर मना था जी, मैंने 1 साल पहले मैंने यूज की करके जी। अच्छा, ये 3-4 क्विंटल वाले में खींच लेता था। इसका साइज भी उससे बड़ा है ना? बड़ा है जी, ये पहले बना था जी। अच्छा, पहले मैं परसों की दुकान वगैरह कर रहा था जिसके अंदर में कट्टे वगैरह और भी सामान ले जाना ठंडे वगैरह, पेट्रोलिंग जुड़ जाती थी। अच्छा, हाँ, फिर इसमें प्रॉब्लम ये आई थी, इसमें वजन हो गया जी 60 किलो, तो इसमें बैटरी थोड़ी ज़्यादा हो गई, तो ये भी 15 किलोमीटर निकालता था। अच्छा, तो बैटरी ज़्यादा खपत होने के कारण इसमें काम बैटरी कामयाब नहीं है, क्योंकि इसमें वजन ज़्यादा आ गया, तो मैं इसके अंदर एक पल्सर इंजन लेके आ गई मोटरसाइकिल का। हाँ, वो इसके अंदर यहाँ पर फिट होगा जी। अच्छा, इसका काम अभी बाकी होगी। अच्छा, यानी कि अब मोटर पे चलता है ये? हाँ, पहले मोटर पे चलता था, अभी सेंजर ही चलेगा इंजन। तो इसका जैसे ये बनाना हो इसका क्या प्राइस है? ये तो इंजन लगने के बाद ही बता देंगे, अब पूरा कंप्लीट होने के बाद ही। अच्छा, तो एक और मैं देख रहा था चीज़ यहाँ पे भाई, देख सकते हो साइकिल, ये आम साइकिल नहीं है, ये साइकिल है जी बैटरी वाला, और भाई ने इसको सिंपल साइकिल को बैटरी वाला बना दिया, और पूछते हैं भाई सबसे कैसे बनाया ये सर, कैसे बनाया आपने? इसकी भी चाबी है साइकिल, तो इससे पहले दो भी बना चुका हूँ जी। अच्छा, दो साल में पैडल से चलते थे और मोटर से, ये मेरे को एक मोटर मिल गई, आप देख रहे हैं ना मोटर, ये इसी अब मोटर से चलता है, आने से स्टार्ट होता है और इसलिए अब वर्क करता है जी। अच्छा, इसमें एक खास बात और है जी, बहुत ही जबरदस्त, जब भी आप इसके थ्रोटल को दबाते हैं यहाँ से, इसको यहाँ से देखते हैं, ब्रेक को दबाते हैं। अच्छा, इसका थ्रोटल काम नहीं करता। अच्छा, ब्रेक दबाने से थ्रोटल का ये रेस वाला, क्योंकि मोटर ऑटोमेटिक कट मार देती है, अगर आप इसके ब्रेक को छोड़ते हैं तो दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ठीक। और इसमें कितने वाट की बैटरी लगेगी? इसमें 2 बैटरी हैं जी, 12 वोल्ट की, 24 वोल्ट की बैटरी है। अच्छा, और वैसे स्पीड कभी चेक की है? हाँ, स्पीड चेक की है जी, 6 महीने से मैं डेली यूज कर रहा हूँ जी। ये मैंने इसके लिए बॉक्स इसलिए बना दिया, सवेरे पानी की पीपी वगैरह लेके आता हूँ, उसके बाद में परेशानी न हो तो मैंने इसके लिए बॉक्स बना दिया, यहाँ पर इसलिए रखी और तो इसके ये से उतार लिया जी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है जी, 6 महीने से बिल्कुल मैं यूज कर रहा हूँ जी, और 20,000 रुपये की सैलरी कर रहा हूँ। अच्छा, एक यहाँ पे भाई भी खड़े हैं अपने गांव के, सिसर गांव के, इनको बहुत ही नाज है कि महावीर ने अपने गांव का नाम बहुत ऊंचा किया है। हमारे साथ भाई साहब गांव से वाले से बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं। सर पहले तो नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। सर महावीर जैसे आज टाइलिंग इनका सामने आया है, आप क्या कहना चाहोगे?
मैं यही कहना चाहूँगा जी, महावीर पेंटर हमारे करीब कलर का है और इसमें इतना टैलेंट है, इसने हमारे गांव का नाम रोशन किया है, हमारे हरियाणा का नाम रोशन किया और पूरे भारत देश का नाम रोशन किया है। और हम सब हरियाणा सरकार और भारत सरकार मदद करीब घर से है, इसलिए अगर ये सरकार मदद करती है तो एक आगे ऐसा टैलेंट दिखाने वाला है कि दुनिया देख कर हैरान रह जाएगी, इसने क्या बनाया आगे का नज़ारा दिखेगा। बात यह है कि सरकार जैसे टैलेंट सामने आते हैं, छोटे भाई जो घर से उठते हैं, सरकार मदद नहीं करती, सरकार मदद नहीं करती, इसलिए तो ये पीछे रह जाते हैं, टैलेंट खत्म हो जाता है। टैलेंट कोई भी सरकार हो, ये नहीं कहते हम ये तुरंत की सरकार है, कोई भी सरकार हो, पीछे वाली हो आगे वाली हो, उस कोई भी ये नहीं सोचता कि जो भाई आगे टैलेंट से उठे उसको सपोर्ट करें, सपोर्ट नहीं करते। कुछ कलाकार तो जी गरीबी के रेखा कारण इसीलिए दब रही है, हुनर तो सबके पास है जी, लेकिन गरीबी रेखा कारण गरीब होने के कारण पीछे रह जाते हैं। सरकारें मदद करे तो ये देश को बहुत आगे ले जा सकते हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि लोकल वोकल वाला, हाँ बाहर से इंजीनियर बुलाते हैं, इंजीनियर तो अपने यहाँ हम भारत देश में बहुत हैं, गरीबी के कारण है। हाँ गरीबी सरकार की सही तरह से, फिर भी भाई की इतनी अच्छा टैलेंट है कि इतना पैसा लगा के पहले उस चीज को बनाते हैं, फिर कामयाब ना हो या ना हो आगे की बात है ना, बिल्कुल पहले घर से पैसा लगाना पड़ता है, पैसा लगाना पड़ता है और गरीब आदमी के पास ये दिक्कत आती है ज्यादा से ज्यादा, अगर सरकार मदद कर दे तो बहुत आगे निकल जाएंगे। बिल्कुल, और हमें तो बहुत गर्व है कि हमारे गाँव में ऐसा लड़का रहता है। बिल्कुल, गाँव का इतना नाम रोशन हुआ है, जब हम एंट्री की थी सिस्टर गाँव में सबसे पहले यही पूछ रहे मैं महावीर सर का, कहते थे हाँ पेंटर साहब के घर जाना है, हाँ जी इसी से पूछ लेना गाँव किसी कोने से पूछ लेना कि महावीर पेंटर के जाना, सब पत्नी जानते हैं, अब तो बच्चा बच्चा जानने लग गया है, बच्चा बुढ़ा और सब डेढ़ करोड़ पब्लिक में डाले अपने बड़े भाई हैं। अच्छा वाह जी वाह, दोनों भाई हैं सगे हां भाई, हां क्या कहना चाहोगे, तीन भाई हैं जी हमें, हां ये बड़े बड़े हैं जी, फर्नीचर का काम करते हैं। अच्छा आपको कैसे हमारे भाई ऐसा काम कर रहे हैं, वाह जी वाह क्या बात है, बहुत ही गर्व महसूस होता है ना। हमारे पिताजी ने नाम रोशन किया था गांव का, हमारे भाई भी नाम रोशन किया। बिल्कुल जी बिल्कुल, भाई ने तो पूरे भारत क्या वर्ल्ड में नाम रोशन किया ऐसा काम कर दिया। तो भाई का जो बुक ऑफ रिकॉर्ड जो मैंने आपको पहले वीडियो में भी दिखाया था वो भी अवार्ड मिला हुआ है। ये अवार्ड से क्या करेंगे अगर सरकार सैलरी वगैरह दे तो, ये तो अवार्ड खुद भी बना लेता है, अवार्ड तो हम भी बना लेंगे, सैलरी भी तो देनी चाहिए। ये अपना चैनल है जी, ये भाई का, मैं तो पब्लिक को ये कहना चाहता हूँ अगर सरकार सहयोग करे या ना करे आप तो कुछ सहयोग कर दीजिए, क्योंकि अपना जो चैनल है महावीर पेंटर सिंह सर के नाम से उसको सब्सक्राइब किए और भाई सब पूरी वीडियो देखें, भाई अभी कौन सा टैलेंट आ गया है, हाँ ये सारी चीज़ें आपको उसमें देखने के बाद और भाई कुछ मैं बताता तो भाई अपना देख के उसमें बना लेता है। बिल्कुल बहुत ही ये देखो गाँव इकट्ठा हुआ है आज तो, भी सारे भाई का टैलेंट देख के हैरान है, ये पता है अपना, और गांव का जो पता है भाई के, कोई भाई की मदद करना चाहे तो ये पता है जी गांव सिसर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा से, हरियाणा। तो भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, उस वीडियो में आए आप टैलेंट दिखाया हमारे दोस्तों को, तो सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, टैलेंट तो और भी दिखाएंगे अगला जो नाम हम जो हेलीकॉप्टर बनाने जा रहे हैं। अच्छा अगर सरकार से करे तो हम पहले तक छोटा बनाएंगे जी, जब 2 किलो तक उठा ले, अच्छा जैसे यहाँ से इस डोले से परले डोले तक चाय पहुँचानी है बहुत ही टैलेंट है, फिर भी देखो छोटे घर से उठ के हेलीकॉप्टर की सोच रख सकती है भाई, सरकार मदद करे ना करे, कलाकारी दिखानी चाहिए भैया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आपको अच्छी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि नई से नई हम ऐसी बेहतर वीडियो करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाइयों का जो वीडियो देखा, बहुत धन्यवाद।